हमारे गांव इन्होंने शहर में दाखिल कर दिए तो इनका अधिकार क्या रह गया उठाने का। और फिर जो हमारे पड़ोस के गांव उठ के गए हैं वो अब तक परेशान हैं, ना उन्हें मंदिर मिले हैं, ना उन्हें मस्जिद मिली है, ना उन्हें जो जो वायदा किया गया ना पूरा मुआवजा मिला है। ऐसा ही जुल्म हमारे ऊपर करने वाले हैं भाई, हम तो जो है राजी नहीं है गाँव उठने से बिल्कुल भी नहीं। दे दो चार आदमी विधायक जी ने बुला करके, जो अभी हमारे भाई ने बताया ये दलाल टाइप हैं, इनको इन्होंने ही वहाँ सहमति दी है। पूरा गांव, आप सभी लोग इस फलेदा को अच्छे ढंग से जानते हैं कि डूब क्षेत्र है, वहाँ कौन बसना चाहेगा जी। गांव में जो पंचायत चल रही है विस्थापन के विरोध में, गांव की जो यहाँ लोग बैठे हैं, हर बिरादरी का लोग यहाँ मौजूद है, कोई भी आदमी अपने गाँव को विस्थापन के लिए उठवाने के लिए राजी नहीं है। दूसरे चरण और तीसरे चरण चार चरण जो जमीन है उनको मांग रही है, एयरपोर्ट के नाम पे हमारे किसान के साथ ठगई करने के इच्छुक हैं, इसलिए कोई भी आदमी अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, ना ही गांव के विस्थापन के तैयार है। कि जो लोग गए उन पे एक बीघे भी ना मतलब जमीन ही नहीं है। अच्छा। और वो भी जो गए हों वो भी संग गए बस में बैठ के, जब उन पे जमीन ना तो गए काय हुए जो जी, जी। और फिर विधायक जी जब उन्हें लेके गए हैं तो विधायक जी ने क्यों ना इन चार गांव की पंचायत करी इकट्ठी एक जगह, एक जगह बैठाए के और इन्हें सबके जो सबकी संतुष्टि करते जो, और जो इन्होंने जो सरकार ने जो बनाया कानून बनाया हो 13 में, वो 13 के कानून के आधार पर इन्होंने क्यों ना मुआवजा दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी नगला हुकम सिंह गाँव में हूँ। जेवर एयरपोर्ट के विस्थापित गाँव है ये दूसरे चरण का। इस गांव में पंचायत हो रही है, तमाम लोग यहां गांव के बैठे हुए हैं। इससे पहले कल रनेरा में पंचायत हुई थी, दोनों गांव में पंचायतें हो रही हैं। इस बीच कुछ किसान लखनऊ गए हैं योगी के दरबार में मुआवजे को लेकर विधायक के नेतृत्व में। इसी बीच कुछ गांव के लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों पंचायत कर रहे हैं, क्या कहना है किसानों का, क्या मुद्दे हैं उनके और क्या उनकी समस्याएँ, इनको लेकर के हम गाँव में हैं और गांव के लोगों से बातचीत करेंगे। बहुत सारा हुकम सिंह गांव में ये बीच गांव में चौपाल पर पंचायत हो रही है, बहुत सारे लोग यहां मौजूद हैं और काफ़ी दिनों से ये लोग अपनी बात उठा रहे हैं। और जेवर एयरपोर्ट के विस्थापित दूसरे चरण के ये पहला गांव ऐसा है जहां के किसान अपने विस्थापन का विरोध कर रहे हैं। कुछ किसान ज़्यादा मुआवजे की मांग कर रहे हैं तो कुछ किसान अपने गांव के विस्थापन का ही विरोध कर रहे हैं। और ये सीमा वाला गांव है नगला हुकम सिंह, काफ़ी पुरजोर विरोध हो रहा है इस गांव में अपने विस्थापन का। तमाम गाँव के लोग यहाँ मौजूद हैं, गाँव के अलावा रनहेरा और नगला जहानू और कुरैब के भी यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं, तमाम युवा यहाँ मौजूद हैं। क्या उनसे उनके मुद्दे हैं उनसे बातचीत करेंगे। जी बड़े मियाँ क्या नाम है आपका? शौकीन नाम है जी। शौकीन जी आपका कौन सा गांव है? मैं नगला जहानू गांव है जी। अच्छा, नगला जहानू के हैं तो आप इस गांव में आए हैं, क्या समस्या है आपकी, क्या क्या कहना है आपका? हमारे ये कहना है जी, जब हमारे गांव इन्होंने शहर में दाखिल कर दिए तो इनका अधिकार क्या रह गया उठाने का। और फिर जो हमारे पड़ोस के गांव उठ के गए हैं वो अब तक परेशान हैं, ना उन्हें मंदिर मिले हैं, ना उन्हें मस्जिद मिली है, ना उन्हें जो जो वायदा किया गया ना पूरा मुआवजा मिला है। ऐसा ही जुल्म हमारे ऊपर करने वाले हैं भाई, हम तो जो है राजी नहीं हैं गाँव उठने से बिल्कुल भी, ये हमारा कहना। तमाम लोग जो आपके ब्रदर के लोग हैं, आपके गांव के लोग हैं, दूसरे गांव के लोग हैं? हमारे गांव के लोग हैं या मुख्तलिफ कई गांवों के लोग हैं, रनहेरा के भी, हमारे पड़ोसी कुरैम के भी और हुकम सिंह नंगला के भी, नंगला भटोना के भी, ये कई गांवों के लोग हैं। और हम कोई भी इस बात पर राजी नहीं है, हमारी प्रधानी ख़त्म कर दी गई, हम जो शहर में आ गए तो फिर हम शहरियों को क्यों हटाया जा रहा, हम शहरियों को क्यों परेशान करा जा रहा है, ये हमारे क्या, हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है कि हमें कोई उठावे यहाँ से। शौकीन भाई, कुछ गांव के लोग आपके गए हैं विधायक के नेतृत्व में योगी के दरबार में गुहार लगाने के लिए, मुआवजा बढ़वाने के लिए, तो एक तरफ आप अपने विस्थापन का ही विरोध कर रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? उनके बारे में हम ये कहेंगे, जो चाल पहले से अंग्रेजों की थी वही चाल इन लोगों की कुछों की चल रही है, और वो चाल ऐसी चल रही है कि अगर मैं खोल के बताऊँ तो बहुत लंबी हिस्ट्री है। तो वो ये ऐसी चाल है, उनमें कुछ तो किसान गए और कुछ बेकिसान गए। अच्छा। जो बना के ले जाए गए। सिंह मेरा नाम है, रनहेरा मेरा गांव है। अच्छा, रनहेरा के हैं जी। जी तो क्या रनहेरा के गांव भी गए हैं कुछ आज योगी जी के दरबार में, आप यहां पंचायत कर रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मुद्दे? कुछ चुनिंदा लोग गए हैं जो कि उन्हें गाँव में दलाल कह देते हैं। अच्छा, वो अपने स्वार्थ के वसीभूत दूसरों का गला कटवाने के लिए, चाहे बूढ़ा मरा चाहे जवान, मुझे हत्या से काम जी, जी।
उन्हें तो अपना पेट मलालना है, न कि किसी और किसान का या किसी गरीब मजदूर का भला हो, ऐसे लोग गए। चलिए और लोग मौजूद हैं, रनेरा गांव के ही कुछ लोग और भी आए हुए हमारे बीच। गांव के को जहां विस्थापित किया जाना है उस जगह पर कुछ लोगों ने सहमति दी है, कुछ लोग असहमति दे रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग पंचायत कर रहे हैं, तो क्या सहमति तो शर्मा जी किसी ने भी नहीं दी है जी। ये गांव तो एक ऐसी जगह बसाने स्वर्ग से नर्क में डालने की बात है, सहमति किसी ने नहीं दी। दो चार आदमी विधायक जी ने बुला करके, जो अभी हमारे भाई ने बताया, ये दलाल टाइप हैं, इनको इन्होंने ही वहाँ सहमति दी है। पूरा गांव, आप सभी लोग इस फलेदा को अच्छे ढंग से जानते हैं कि डूब क्षेत्र है, वहाँ कौन बसना चाहेगा जी, जी। ये तो हमारे लिए स्वर्ग है, हमारे सगरे गांव, चारों गांव। पहली बात तो हुकम सिंह का नगला रनेरा हम उठना ही नहीं चाहते, अगर ये हमको उठाते हैं तो हमें माढ़रपुर के दोनों तरफ किधर ही बसा दें, माढ़रपुर के तरफ बसाएं, हम वहाँ बसेंगे भी नहीं और जाएंगे भी नहीं। इन लोगों ने पहले जैसे हमारे साथ दुराचार और व्यवहार हमारे साथ किया है उससे सब परिचित हैं, इन्होंने हमारे सब की अनीति की है। हमारे पहले क्षेत्र जो पहले विस्थापन किए थे छहों गांव, वो आज तक परेशान हैं, वो नेस्ट नाबूद हो गए, इस एयरपोर्ट से बनने से हमारा सर्वनाश हुआ है, विकास नहीं। और क्योंकि ये लिखित में हमसे चाहते हैं सहमति लेना, हम लिखित में इनसे चाहते हैं कि हमें हमारी जो भी मांगे उनको पूरा करके हमें दें, अन्यथा हम बिल्कुल भी 1% भी चारों गांव जो ये चले गए, ये जो भी लोग गए हैं, ये केवल ऐसे लोग हैं जिनको अपने गांव से उनसे प्यार ही नहीं है। पंचायत में नगला जानू और रनेरा गांव के लोगों का ये कहना है, अब इस जिस गांव में पंचायत चल रही है उस गांव के लोग क्या कहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं जी। नमस्कार चौधरी साहब, आपके गांव में पंचायत चल रही है तो ये क्या रुख है गांव का, आप लोग क्यों नहीं गए योगी जी के दरबार में, या क्या चाहते हैं आप लोग? मैं उदयवीर सिंह, गाँव नंगला हुकम सिंह से। गाँव में जो पंचायत चल रही है विस्थापन के विरोध में, गांव की जो यहाँ लोग बैठे हैं, हर बिरादरी का लोग यहाँ मौजूद है, कोई भी आदमी अपने गांव को विस्थापन के लिए उठवाने के लिए राजी नहीं है, ना ही सहमति देने के लिए तैयार है। सहमति की जो बात आई थी हमारी कृषि भूमि की, उसके लिए भी हमने कह दिया था कि 2013 से जो हमारा सर्किल रेट था आज तक नहीं बढ़ाया गया, पहले वो सर्किल रेट बढ़ाया जाए, उसका 4 गुना जो जियो गवर्नमेंट का आया था अखिलेश सरकार में, उसका 4 गुना मुआवजा दिया जाए, तब हम कृषि भूमि देंगे। कृषि उसके लिए भी एक और है कि गांव जो है मात्र 23 बीघे ज़मीन में बसा हुआ है, 23 बीघे ज़मीन की ये चाहते हैं कि 23 बीघे को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। पहले गाँव की घरौनी बनाई जाए, जो ज़मीनें हमारी आबादी हैं उनको आबादी दर्ज किया जाए, उसके बाद कृषि जमीन देंगे। गांव के विस्थापन के लिए तो हम एक भी मिनट किसी भी तरह राजी नहीं हैं और ना ही विस्थापन चाहते हैं। हमारा गांव तो कुरैम है जी। जी जी कुरैम के हैं। और रणवीर सिंह नाम है मेरा जी। जी चौधरी साहब, हमारे यहाँ से भी गए हैं लोग। अच्छा, बाकी एक बात बताओ कि जो लोग गए हैं उन पे 1 बीघे भी ना, मतलब जमीन ही नहीं है। अच्छा, और वो भी जो गए वहाँ वो भी संग गए बस में बैठ के, जब उनके जमीन ना तो गए काय हुए जो जी, जी। और फिर विधायक जी जब उन्हें लेके गए हैं तो विधायक जी ने क्यों ना इन 4 गांव की पंचायत करी इकट्ठी एक जगह जी। एक जगह बैठाए के और इन्हें सबके जो सबकी संतुष्टि करते जो, और जो इन्होंने जो सरकार ने जो बनाया कानून बनाया 13 में, वो 13 के कानून के आधार पर इन्होंने क्यों ना मुआवजा दियो, क्यों कि इन्हें मुआवजा कैसे दे देते 4 गुना। इन्हें तो याद जिले को जो ये जमीन यहाँ की इन गामन की जमीन लूटनी है, और जिले के क्यों इन्होंने वो क्या नाम है सर वो बढ़ाए सर्किट डेट क्यों बढ़ा दिया, औरन के कैसे बढ़ रहे हैं, औरन में जो जियो में मुजफ्फरनगर में मेरठ में उनमें तो बिक रहे हैं जो 70-75 लाख रुपया में बीघे की ज़मीन के वो मिल रहे हैं, मुआवजे मिल रहे हैं, और यहाँ बहन जो दे रहे हैं जो 20-20 को 15-15 को ही हो तो काय को मुआवजे हो, ये तो जो लूट को मुआवजे हो ये यू सरकार तो या वहाँ पे कह रही है कि इन्हें तो जो जितनों भी लूट हो जाए ना किसान ने वह हिसाब से लूट लो। अब एक बात बताओ, जब एयरपोर्ट की सीमा की जो दीवार लगा दी तो फिर ये इनको मतलब क्या रहे, वो जमीन आगे लेने को खरीदने को क्यों आगे बढ़ रहे, क्यों भग रहे आगे को, जब तुम्हारी दीवार लग गई तो तुम हमारी जमीन छोड़ो हमारी, हाँ हम तो ना दे रहे, और जब दे रहे हैं एयरपोर्ट तो हमें दुखना है कि एयरपोर्ट ना बने, हम तो मान रहे हैं खूब एयरपोर्ट खूब बढ़िया बने जो,
बाकी एयरपोर्ट बने तो जब हमें हमारे हमारी जमीन को हमारी धरती माता छीन रहे हैं और वहाँ छीन के हमें दुख घाटे बेघर कर रहे हैं और हमें वहाँ के दाम ना दे रहे, जो इन्होंने तय कर दिया वहाँ भी दाम ना दे रहे हमें। अच्छा, हम अपने गांव को उठाने के लिए किसी भी रूप में राजी नहीं, राजी नहीं है। हाँ, क्यों? एक तो हमारा गांव बिल्कुल एक साइड में, हमसे ये गांव हमारा सेक्टर 30 में 29 बराबर लगा हुआ है, हमारे गांव से सटा हुआ है बिल्कुल, तो इसका 30 का जो रोड है बिल्कुल एक कोने में, इससे एयरपोर्ट पर क्या असर है? बीच में नहीं, उनकी कोई ऐसी यहाँ वो नहीं बनने वाली के जो भाई एक कोने में इसमें बन जाएगी, हमारा एक कोने में छोड़ दे, हमें विस्थापन से क्या, इसमें दोनों को ही फायदा है, गवर्नमेंट सरकार को भी फायदा है और हमारे इन लोगों को भी फायदा। तो नंगला होम सिंह है मेरे गांव जी। कुछ लोग बहकावे में आके जी, जो जिन्हें हमारे गांव से कोई मतलब नहीं है, वो उनको ले जाकर लखनऊ पहुंचा देते हैं जी, और लखनऊ हम समझते हैं वो उनके विस्थापन की बात उनके साथ शायद नहीं हो जी, और अगर होगी भी उनके कहने से विस्थापित नहीं होता, कि यहाँ तो मरने गिरने के तैयार हो रहे हैं। अच्छा, गांव गांव लड़ने मरने तैयार, खून बहा देंगे कम, अगर यहाँ खून नहीं बहा गया तो जो मेरे पीछे आ रहे हैं बच्चे जी एक ही खाएंगे तो बस मेरे तो बेकार हो गए, इसलिए तय ये कर रखा है जो भी कुछ हो खून बहाना है तो यहाँ बहाना है, ज़मीन नहीं देनी है ना गाँव देना है, ज़मीन देंगे एक शर्त पर, अगर इनका इनका विकास हो रहा है, विकास कर रहे हैं कहीं हमारी ज़मीन में, तो हमारी ज़मीन दे सकते हैं हमारे रेट पर, जो 13 में इन्होंने हमारा अब तक मुआवजा बढ़ाई नहीं ज़मीन का गांव का, तो जब गांव का जो चार गुणे गांव के हिसाब से पैसे देने थे उसके लिए तो यहाँ करें और गांव छोड़ें, तब हम ज़मीन के लिए यहाँ करेंगे। अगर बिल्कुल ना जाना चाह रहे भैया गांव में, हम तो बुजुर्ग आदमी हैं, तो तुम्हारी तो कट गई, बच्चों की कटने तो बढ़िया काम होगा, विकास होगा, क्यों क्या क्यों ना से ले डोलो। अच्छा। सत्यानाश लेने को डोल रहे हैं ये दलाल, दलाली करें करे करो गांव ना का ही कर दो। लखम सिंह 50 साल मेरी उम्र हो गई है, आज तक यहाँ की जो है वसापत में तो कोई दर्ज हुई ना जमीन जी। पटवारी जो बैठे हैं क्या इन्हें ये पता नहीं कि ये गांव है या खेत है? ये 50 साल उम्र मेरी हो गई है, 50 साल में मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, पटवारी जो यहाँ के हमारे क्षेत्र के हैं, क्या घरों नहीं बने, बनाने में दिक्कत आ रही है क्या इन्हें, जो आज तक उसमें खेती में जो जमीन है वो खेती में मान के चल रहे हैं वो? देखो मेरा मकान है जी, आज भी वो 317 नंबर खेत में दर्ज है जी, और मेरे दादा ने चूने में बनाया, शायद आप यार मोह तो पता भी ना होगी चूनो कैसे बने हो जी, जी, तो या को मतलब काफी पुराना है और अब उतोड़ के मैंने बनाया है, लेकिन आज भी वो खेती में दर्ज है मकान। अब बताओ क्या करो जाए इनको, वायवे खेत मान लें, जंगल की भूमि मान लें, तो ये सब बहुत बड़ी कमी है। और हमारी तो एक ही बात पे ब्यादा कट जाए जी, हम तो इन्होंने शहर में कर दिए, नया जो कानून है 2013 का वो कहीं नहीं कहता कि शहर उठाया जाए, तो इन्होंने हम शहर में कर दिए, तो हमारा तो उठने को कोई प्रश्न ही नहीं उठा, हम उठ ही नहीं सकते। अब इनके मन में जब आवे जब शहर कर दें, जब इनके मन में आवे जब गाँव कर दें, इनकी मनमानी चल रही है। अरे हम तो जो करें, तुम भी हो और हम भी हो और बीच में कानून हो, 2013 के कानून के तहत करें, ये जो भी कुछ करें। तो भाइयों देखा आपने, सुना और समझा, गाँव के एक गांव के ही लोग नहीं या कई गांव के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी शिकायतें हैं, समस्याएं हैं, इन समस्याओं पर काफ़ी दिन से विचार चल रहा है, गहमा गहमी चल रही है, कई बैठकें हो चुकी हैं, कई बार जनप्रतिनिधि और यमुना विकास प्राधिकरण के अफसर इन बातों को सुन चुके हैं, लेकिन इन पर समाधान नहीं हो पा रहा है। आज योगी जी के दरबार में किन मुद्दों को उठाया जाता है, किस तरह से किसान वहाँ मायूस होकर आते हैं या झोली भर के लेके आते हैं मुआवजे की, इस संबंध में जो भी अपडेट होगा गांव के इस जो निर्णय है किसानों का, उस संबंध में प्राधिकरण के अफसर या प्रशासनिक अफसर जो भी कहेंगे, हम लगातार इस संबंध में पूरा अपडेट दिखाएंगे। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, नगला हुकम सिंह गाँव से, नमस्कार। एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, न्यू नोएडा, न्यू ग्रेटर नोएडा, टप्पल वाजना, राया, मथुरा, अर्बन सेंटर सहित NCR के डेवलपमेंट और खास मुद्दों पर आप रखते हैं ध्यान, तो लगातार देखते रहें जागो हिंदुस्तान। में सतीश शर्मा जाफराबादी, नमस्कार।